में सर कार्पेंटर खोलेंगे कितने टाइम बाद, साल बाद खोलेंगे? दो ढाई साल। दो साल बाद। लो जी सुनो जी, दो साल बाद इसका कार्बेटर खुलने लगा है। ये वो बाइक है, ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अहम है जो लोग नया बाइक लेते हैं, चाहे वो 70 हो, चाहे वो मोटर बाइक हो, कोई भी बाइक हो, और उनको शोरूम वाले ये कह देते हैं कि आपने इसका कार्बेटर निकलवाना। इंसान अपना थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करें कि आपने क्या कार्बेटर को कभी भी निकलवाना। मेरे भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे आप कई जगह से पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, पेट्रोल की उनकी टैंकियों की सफाई नहीं होती, आप कुछ भी है किसी पेट्रोल के जरिए भी आपका पानी जा सकता है, वो आपकी टैंकी में खड़ा रहेगा, तो बेशक आप कार्बेटर में ना भी पहुँचे लेकिन आपकी टैंकी में खड़ा होने की वजह से हल्के हल्के जंग के स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे, वो आपके बाइक हिलने से सीधा कार्बेटर, कार्बेटर से कभी भी वो सीधा जेट्स के अंदर आ सकता है, जो छोटे छोटे माइनर से सुराख होते हैं, उसके होल्स होते हैं, उसमें आ सकता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको देखने को सबसे पहले जो मिलेगी वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम मिलेगी कि आपको चोक उठा के बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सबसे पहला है, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए ये रेकमेंड करता हूँ, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो लोग अपने बाइक का कार्बेटर खुलवाते ही नहीं। यार मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप पेट्रोल की सेटिंग को ना चढ़वाओ, लेकिन उसके जो जेट और स्लो जेट है उसको खोल के लाजमी साफ करवाया करो, उससे पेट्रोल का कोई ताल्लुक नहीं होता मेरे भाइयों। ये जो आप लोगों के माइंड में गलत बातें बिठा दी गई हैं, बाकी और कार्बेटर को खोल के साफ कराना चाहिए। अब हम लोग खोलेंगे, बातें ज्यादा हो गई हैं, सिर्फ इसको बताना इसलिए लाजमी था कि मैंने बहुत देखा है पाकिस्तान में, खासतौर पर बहुत ज्यादा देखा है कि लोग नया बाइक लेके कहते हैं कि जी हमने इसका कार्बेटर नहीं खोलना, मैकेनिक को भी कहते हैं कि नहीं खोलने देना जी, आपने नहीं खोलना, आप और काम करें, फिर वो कहते हैं जी हमारा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा बाइक स्टार्टिंग में मसला कर रहा है, तो फिर वो मैकेनिक का कसूर नहीं होता, वो आपका अपना कसूर होता है, ठीक है। अभी हम इसका कार्बेटर खोलेंगे कितने टाइम बाद, साल बाद खोलेंगे? दो ढाई साल। दो साल बाद। लो जी सुनो जी, दो साल बाद इसका कार्बेटर खुलने लगा है। आए चलते हैं कार्बेटर खोलते हैं। यहाँ पे बैठ जाइए आप, वो मेरा स्टैंड होता है, मैंने हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आपने चेंज करवाया था, सफाई करवाई थी स्टूडियो में, बस फिल्टर इसका साफ हुआ था, हम इसलिए फिल्टर को नहीं खोल रहे। अपने दो इसके नट होते हैं, ठीक है, एक 10 का नट ये वाला हो गया, इसको आप खोल लें, ठीक है, ये बेल है, इस बेल को उठा के हम उस साइड पर कर लेंगे, ठीक है। अब उस साइड पे कितना बड़ा वो डब्बा है ना ऊंचा, दोनों काबले, दोनों नट हम लोगों ने खोल लिए हैं। अब इसके बाद आपने जेट सिलाई निकालनी है, ठीक है, आप इसको कार्बेटर को जी, ये हमने कार्बेटर बाहर निकाल लिया, बिल्कुल सीधा सीधा आपने कार्बेटर रखना है, ये इसकी ऊपर सिलाई है, इसको सिलाई को हमने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये हमारा कार्बेटर आ गया जी सामने, ओके, अब हम इसको खोलेंगे। ट्रांसपेरेंट इसके अंदर वो लगा हुआ है, टैंकी लगी हुई है ट्रांसपेरेंट, मैं स्टॉप करें जी। सबसे पहले हम लोग इसके खोलेंगे, ये तीन इसके बोल्ट होते हैं, छोटे छोटे पेज होते हैं, वो खोलेंगे, साइड पे रख देंगे। अभी ये देखें न्यू कार्बेटर खोल रहा हूँ, कहने का मतलब कि ये बाइक आपकी कंडीशन, बाइक कंडीशन दिखाई दे रहा, ये बाइक देखें माशाल्लाह, और ये बाइक उसने दो साल से नहीं खुलवाया, इसका कार्बेटर नहीं खुलवाया, सिर्फ इसी चक्कर में कि यार लोग मैकेनिक हज़रात जो हैं वो दोबारा चीज़ों को खोल कर अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं सेट कर पाते, इसकी वजह से फ्यूल की एवरेज ख़राब हो जाती है। तो फ्यूल मिक्सचर ये है, ये फ्यूल मिक्सचर है, ठीक है, आप इसको ना खुलवाएं, मैं इसको भी खोल के साफ करूंगा तो मेरी सेटिंग नहीं हिलेगी। सिर्फ क्या है कि अपना माइंड को इस्तेमाल करना है, जैसे आपने जितने कट खोलने उतने कट आपने वापस रख देने, इसको याद कर लेना आपने, ठीक है। मैं प्रॉपरली इसकी सफाई करूंगा कार्बेटर की, और आप देखिएगा इंशाल्लाह रिजल्ट। अभी तो बाइक गर्म है, अभी तो वो स्टार्ट हो रहा है, ये क्या होता है, ये भी जो जिन मैकेनिक को थ्योरी के बारे में पता है तो वो इसको समझते हैं कि बाइक सुबह लेट स्टार्ट होना और बाद में जल्दी स्टार्ट होने का क्या रीज़न होता है। इसका ये है जी फ्लूट, इसको फ्लूट को आपने हल्का सा ऐसे ऐसे इसको हल्का सा हिलाएंगे कि देखें ये बड़ी पिन बाहर आ गई, इस बड़ी पिन को आपने निकालना है और इसको यहाँ पे साइड पे रख दें, साफ जगह पे मैं रख रहा हूँ, इससे ये होगा कि मेरी हर चीज़ नीट ही रहेगी। और ये आपने फ्लूट निकाल के, ये पिन है नीचे, फ्लूट पिन, मिसाइल पिन भी कहते हैं इसको, ये फ्लूट पिन है, ये हमने निकाल के ये भी हम लोगों ने साइड पर रख दिया, ओके। अब हमारा ये कार्बेटर है, ये हो गया आपका जेट, ये हो गया आपका स्लो जेट,
ठीक है, अभी हम इसको ओपन करेंगे, स्टॉप करेंगे। अब ये देखें, ये मैं इसको आराम से पकड़ा, इसको खोल दिया, इसको मैं खोलूँगा, ठीक है। इसके ये छोटे छोटे होल है ना, ये होल है इसके, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखें ऊपर 3, फिर ऊपर 3, नीचे 2, 2, ये होल बंद हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, बहुत बारीक सुराख होते हैं। मैं भी चेक करूंगा, अपनी नज़र को चेक करूंगा, ठीक है। आपने इनको होल को ओपन करना है, इनको आर पार ये हर जगह से नज़र आते हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से इनको नज़र आएगा, इधर से देखेंगे तो यहाँ से नज़र आएगा, किसी रोशनी को पकड़ के आप इनको देख के, या आपके पास प्रेशर मशीन है तो प्रेशर मशीन से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने खोल के जेट साइड पे रखा है, इसकी मैं अभी सफाई करूँगा, ठीक है। और अब ये हम लोग स्लो जेट खोलेंगे, पेचकस की मदद से खोल लीजिएगा, ये मैंने हल्का सा प्लास है इसको करके, और इस स्लो जेट की भी सफाई होगी और इन होल, इन दो होल की भी सफाई होगी। अब मैं आपको मेन बताता हूँ, स्टॉप करें, मैं टेस्ट देखें। अब आपने क्या करना है, ये कार्बेटर पकड़ें, ये है जी आपका मिक्सचर, फ्यूल मिक्सचर जिसे कहते हैं, ये देखें। अब मैं देखें इसको याद करूँगा, पहले मैं इसको टैड पोजीशन पे करूँगा, इसको याद करने के लिए कि ये अभी किस पोजीशन पे है, ठीक है। एक, दो, तीन, सवा तीन, तीन से थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं इसको बिला झिझक खोल दूँगा, अब मुझे याद है, तब जब मैं लगाऊँगा इसको तो सारा टैड करके 3 कट से थोड़ा सा ज़्यादा इसको मैं लूज़ कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा अपनी जगह पे, जहाँ पे मैंने ओपन किया था वहीं पे ये अपनी जगह पे आ जाएगा, कंपनी की सेटिंग हो या कोई भी सेटिंग हो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। और ये भी इतना गंदा हुआ हुआ है, ये मिक्सचर भी इतना गंदा हुआ हुआ है अंदर से, और इसका बाइक 2 साल हो गए हैं ना, तो किसी और का बाइक अगर 1.5-2 साल हो जाए तो वो इससे इतना गंदा होगा। क्यों? अच्छा ये देखेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल मैंने इसके अंदर, ये इसके अंदर, इसके अंदर, इनके अंदर, इन सब मैंने होल्स के अंदर आपको पेट्रोल डाल के, ठीक है। इसके बाद आपने प्रेशर की मदद से इसको हर जगह से आपने क्लीन कर लेना है, सब जगह से आपने पेट्रोल गुजारना है, और उसके बाद हवा का कमाल है, आपने ज़ोर से इसको प्रेशर लगाना है, बेशक आप मुंह से लगाएं, बेशक आप मशीन से लगाएं, आपके पास जो भी सहूलत मौजूद हो। अभी मेरे पास तो मशीन अभी नहीं है अवेलेबल, लेकिन आपको मैं फिर भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा, पहले मैं इस सुराख में, इस वाले होल में मैं फूंक मारूंगा, ध्यान से फूंक मारनी है, फूंक के साथ थूक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। गुड हो गया। अब ये मेन वाला जो है, ये जो है होल, ये होता है पेट्रोल आने का टैंकी में, इसकी टैंकी में पेट्रोल यहाँ से आता है। पहले ज़माने में लोगों के पास मशीनें नहीं थी, लोग फूंक का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ओके, बिल्कुल अभी अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा है, ओके। ये मैं रख देता हूँ साइड पे। अब मैं इस जेट को पेट्रोल लगाऊंगा, इस वाले जेट को। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है 70 के ऊपर, 70 बाइक के कार्बेटर के ऊपर। अभी ये मेरे पास 1:5 आया है, तो इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्लो जेट है, ये काम सारे आप घर में खुद कर सकते हैं मेरे भाइयों। ये मेरा जेट बिल्कुल क्लीन हो गया है, सारे इसके होल ओपन हो चुके हैं, पहले इसके से 2 होल बंद थे, ये मेरा सही हो गया है। अब मैं इस वाले को चेक करूंगा, ठीक है। सामने रोशनी की मदद से मैं देखता हूँ आर पार दोनों जगह पे, इसे दिखाएं, ऐसे मैं देख रहा हूँ। अभी इसके 2 होल जो है ना वो अभी क्लोज हैं, 3 ओपन है। इसको मैं ठीक हो गया जी, ये बिल्कुल बेहतरीन हो गए हैं, ठीक। अब मैं इसके मिक्सचर को भी साफ कर लूँगा,
पेट्रोल इसको लगा के, ये थोड़ा सा गंदा हुआ है, ब्लैक हुआ है यहाँ से थोड़ा थोड़ा, ये इसको भी साफ कर दें। ठीक है, हमारे ये जेट साफ हो गए हैं। स्टॉप कर दो अब तो करीब रखना। जेट सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ये जेट, इसको हल्का सा हम लोग इसे टाइट कर लेंगे, ये टाइट कर लिया, इसके बाद हम लगाएंगे स्लो जेट। कुछ भी नहीं होता कार्बेटर खोलने से, कुछ भी नहीं होता, बात वही है कि हमारा वहम है और ऊपर से हमारे वहम को पक्का कर दिया है। जहाँ से हम लोग बाइक लेते हैं वो लोग कह देते हैं जी आपने बाइक को कार्बेटर नहीं खुलवाना, कभी ये नहीं कहते कि जी आप 1000 के बाद या 2000 के बाद या 3000 के बाद आप लोग ओपन करवा लें, कभी वो ये नहीं कहते। तो ये गलत है, लोगों के माइंड में इस तरह की बातें बिठा दी हैं। ठीक है, और अच्छा मैकेनिक देखें जो आपके काबिल एतमाद मैकेनिक हो, जिसका काम अच्छा हो, समझता हो काम को, थ्योरी वाइज भी समझता हो, प्रैक्टिकल भी समझता हो। मिक्सचर, इस मिक्सचर में आपने पहले स्प्रिंग लगाना है, स्प्रिंग लगाने के बाद आपने लगानी है वाशल, वाशर लगाने के बाद आपने लगानी है ये रबड़ की वाशर। ठीक है, और ये इसका मिक्सचर है जी इधर, इसको मैंने जहाँ पे याद किया था अभी देखें मैं वहीं पे लेके जाऊँगा, और जो निशान उन्होंने लगाया ये देखें टैट। अब मैंने एक कट, दो कट, तीन कट, और ये हल्का रहेगा, ये मेरी वही पोजीशन आ गई है जिस पोजीशन पे मैंने इसको खोला। मैं इससे भी इसकी बेस्ट, अभी इसकी फ्यूल की एवरेज थोड़ी सी माइनस सी ज़्यादा है, तो मैं अभी फ्यूल की एवरेज पेट्रोल और अच्छा बेहतरीन कर दूंगा, इस बाइक का पेट्रोल अभी और अच्छा करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा करने से बाइक में मिसिंग भी आ सकती है, मैं उतना करूंगा जितने बाइक को ज़रूरत है, जितना बाइक होना चाहिए जितना। ठीक, अब हमने ये उठाया, इसी तरह मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, हाथ तक नहीं लगाया मैंने इसकी पिन को, क्योंकि मेरे हाथ से कोई मिट्टी का ज़रा भी लग सकता है। मैं इसको लगाऊंगा, आप पेट्रोल मार के इसको लगा दीजिएगा, मैंने पेट्रोल मार के रख दिया था इसको, अब मैं इसको वापस लगा रहा हूँ। ये लगाने के बाद आपने बड़ी पिन जो है ये आपने लगा देनी है, मैंने इसको बंद कर दिया कैप लगा के, और अब इसके जी ये कार्बेटर मेरा देखें बंद हो चुका है। अब एक और चीज़ मैकेनिक हज़रात को भी मैं बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ही इसको लगा के पेट्रोल ओपन कर लेना है, ताकि अगर कोई ओवर का खदशा हो भी तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, वहाँ पे लगा के दोबारा ना निकालना पड़े। ये देखें यहाँ ट्रांसपेरेंट नज़र भी आ रहा है, ये पेट्रोल आया ऊपर, बस इस जगह पर आके ये स्टॉप, ये फ्लूट वाला ऊपर हो गया, ये देखें फ्लूट ऊपर हो गया, ये देखें कितना क्लियर नज़र आ रहा है, ये देखें फ्लूट ऊपर हो गया, ओके पेट्रोल बाहर नहीं आ रहा। इस जगह पे हमारी पोजीशन है, इसको हिला के चेक करें, बिल्कुल ठीक, अच्छा बिल्कुल ठीक, ओके। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखें पेट्रोल ऑन है, अगर लीक होना हुआ तो इधर ही लीक हो जाएगा, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, फ़ौरन खोल के आप दोबारा उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लगा के आपका इतना टाइम वेस्ट होगा। बहुत ही मेन टॉपिक है ये, मैं मैकेनिक हज़रात को लाजमी बता रहा हूँ कि उनका टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ। चेक हो चुका है, हर चीज़ चेक हो चुकी है, हम बिना झिझक इसको अल्लाह के हुक्म से लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको इसमें डालना है, फिल्टर में, फिल्टर में डालने के बाद आपने इसको इधर लेके आए, इसका पिछला पाइप हॉर्स पाइप कहते हैं इसको, ये आपने इसको यहाँ से रबड़ लगी हुई है, बड़ी निकल गई है रबड़ भी थोड़ी सी वो हुई है मिस्टॉप जी। आपको मैं साथ ही जेट सिलाई का भी तरीका बता दूं, जेट सिलाई डालने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे आके लोग फंस जाते हैं। कोई भी बाइक हो, 70 हो, सुजुकी हो, कोई भी बाइक हो, आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी पिस्टन है, ये पिस्टन, ये सिलाई है, ये पिस्टन है, ये छोटा कट है, छोटा कट उस जगह पर आता है जहाँ पर मिक्स ये होता है एक्सीलेटर का स्क्रू होता है, ये एक्सीलेटर का स्क्रू है, जहाँ से आप रेस को तेज़ और कम कर सकते हैं,
है उस जगह पे आपका ये छोटा कट आना चाहिए। बस आपने ये ध्यान रखना है किसी भी बाइक पे जिस जगह पे ये स्क्रू होगा उस साइड पे आपने इसको डालना है। अभी मैं आपको देखे डाल के दिखाता हूँ, ये आपने इसको डाला और ये देखिए मैंने उसको उसी पोजीशन पे रखा और हल्का सा इसको हिलाया और ये पूरी सिलाई अंदर चलेगी आराम से, देखिए पूरी चलेगी। अगर गलत होगा ये सिलाई यहाँ भी अटक जाएगी, आप ज़बरदस्ती इसको बिठाएंगे तो वो गलत होगा, ये सिलाई चलेगी अंदर। हो चुका है बाइक के साथ बेटर, हम लोगों ने कर लिया है साफ बिल्कुल। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी इस चीज को बना रहे हैं कि आपका बाइक न्यू है तो आपने कार्बेटर नहीं खुलवाना मेरे भाइयों। चलो अगर नहीं भी खुलवाने का दिल करता ना कार्बेटर, तो कार्बेटर कम से कम भी 2,000 या 3,000 किलोमीटर के बाद लाजमी कार्बेटर की सफाई करवा लिया कर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह।